Please don't force me. I do not want to get mad. Please. Rishabh. Mom. Rishabh. Mom, please, Mom. अगर तूने ये शादी नहीं की ना, तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। Mom, please, Mom, please. मैंने शर्लिन को जुबान दिए संजना जी से वादा किया है कि मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। मैंने शर्लिन को दिल से अपनी बहू माना है। अब अगर तूने ये शादी नहीं की ना, मैं सोच लूंगी कि तू मुझे अपनी माँ मानता ही नहीं। तुझे मेरी कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं मेरी। बेटा, तू ये शादी कर रहा है या नहीं? बोल बेटा, कुछ तो बोल। तू ये शादी करेगा ना? करीना दी, दी से प्लीज मंडप में ले जाइए। मैं ये वरमाला स्टोर किसी के साथ भिजवा दूंगी। मॉम, तू मेरी एक बात अच्छे से सुन ले। अगर तूने ये शादी रोकने की कोशिश की तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। मैं भूल जाऊंगी कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा। लेकिन मॉम, बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। शादी सुख से हो जाने दे। ऋषभ मान गया था और इस शादी से पीछे भी हट गया था, पर मुझे नहीं पता था कि लास्ट मोमेंट में मॉम आ जाएंगी और इस हद तक चली जाएंगी कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे मेरी दुल्हनिया, बोला ना, दो दिन तक घर नहीं आऊंगा। ज्यादा भूख लगी है तो खाना खा, मेरा दिमाग मत खा। साला शादी का सिस्टम किसने बनाया? दुल्हनिया घर में आती नहीं कि दूल्हे की अखा लाइफ का सिस्टम फेल करके रख देती है। बॉस, खाना ला। हाँ तो मेरा सर पे रखेगा। हेलो दरक। अरे बॉस, आपके लिए खाना लाया, गाड़ी दे दी। आप हमेशा क्या इंसल्ट करते रहते, कुत्ते की तरह सुनाते रहते हमको। खाना लाया है तो मेरा दिमाग खाएगा। मैं गाड़ी दी है, कोई बैंक का लॉकर मिल दिया, मुझसे जमा लड़ाता थी। बॉस शांत हो जाओ। बॉस, ए तू बीच में मत बोल, नहीं तो तुझे शांत कर दूंगा मैं। बॉस, हम पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? बॉस, बॉस तू समाता जी का और अपनी पत्नी का गुस्सा हम लोगों पे क्यों उतार रहे हैं? ए बंटी, चुप, एकदम चुप। क्यों चुप रहे बॉस? ये नहीं चलेगा बॉस। तेरी तो मुझसे जमा लड़ाता तू। गोली की आवाज, इन्होंने किसी को मार तो नहीं दिया? कि बता रहा हूँ, अगर मेरे बच्चे आए भी तो वो कैसे जा रहे हैं? इतनी बेकार बता रहे, उनकी मदद कर। मेरे बच्चे आएंगे ना तो या तो उनको मेरे पास बता दो या मुझे उनके पास। माता रानी कृपा करो, माता रानी, माता रानी। ये क्या किया आपने? पांच, अब तक पांच कर चुका हूं और छठा भी कर सकता हूं। तो अपना अपना मुंह बंद रखो और हाँ, इस मुर्दे को उठाओ और नाले में डाल दो। इसके बाद माजी का नंबर। अबे देख क्या रहो, बॉस ने बोला ना इसे नाले में डाल। चलो जल्दी करो। मंदिर की घंटियों की आवाज, ये तो वही आवाज है जो मैंने वीडियो में सुनी थी। इसका मतलब मैं सही जगह पर आ गई हूँ। माँ को यहीं कहीं रखा हुआ, लेकिन वो जगह कहाँ है जहाँ शर्ण ने माँ को किडनैप करके रखा? माँ यहीं कहीं अंदर है ना? यही है माँ, यही वो जगह। साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, ये लोग क्या कर रहे हैं? कौन है ये लोग?
क्या हुआ? तो चलना चल। यहाँ दूर दूर तक बस यही एक जगह है, यही लग रही है कोई पुरानी सी फैक्ट्री जो परसों से बंद पड़ी है। लगता है माँ को यही ही अंदर रखा हुआ है, लेकिन माँ को कहाँ ढूंढूं? माँ कहाँ हो आप? ये सब उस माजी की वजह से। दिमाग की बैंड बजा कर रख दी उसने। मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। प्रीता जी भागी है तो वो जरूर यहीं आई होंगी, पर है कहां प्रीता जी? कहीं नहीं दिख रहे। क्या ऋषभ भी मंडप में नहीं है? ओ गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीता जी ने उस पंचायती बिजनेसमैन को सब बता दिया और इसीलिए वो मंडप छोड़ के चला गया? ये पृथ्वी पागलों की तरह यहां क्यों घूम रहा है और ऐसी आंख फाड़ फाड़ के क्यों देख रहा है? पुत्र, ऋषभ कहाँ है? ऋषभ नहीं आया? और करीना दी, वो भी कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने उन दोनों को यही भेजा था, कहाँ रह गए दोनों? पता नहीं। करीना दी का मैसेज है, वो ऋषभ के साथ ही है, ब्रोच लगा रही है उसका, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है राखी जी। जी पंडित जी। तब तक दुल्हन का मंगलसूत्र आप मुझे दे दीजिए, मैं उसे पवित्र जल में धोकर भगवान के चरणों में रखकर आशीर्वाद ले लेता हूँ। जी पंडित जी, अभी देती हूँ, पर्स में ही है। ओह माय गॉड, इस पर्स में तो बॉम्ब है, और अगर राखी आंटी ने पर्स खोला और गलती से ब्लास्ट हो गया तो? ओह नो नो। पर्स में तो बॉम्ब था और पर्स गिरने के बाद तो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था, तो हुआ क्यों नहीं? शर्लिन, तुम चिल्लाई क्यों? ये दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? सब इनकी तरफ देख रहे हैं, ये बहुत ही गलत हो रहा है। अगर शर्लिन ऐसे ही खड़ी खड़ी इस पृथ्वी को देखती रही तो पकड़ी जाएगी। शर्लिन? हाँ, क्या हुआ? बैठ। ठीक तो है?
लगता है मेरी बेटी बहुत डर गई है। कितने अरमान थे इसके कि इसकी शादी हो, धूमधाम से हो, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही धमाका हो रहा है। आई मीन इतनी रुकावटें आ रही है शादी में। शी इज वेरी नर्वस, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। टेंशन मत लो संजना, शादी होगी, आज ही होगी, इसी मंडप में होगी, हर हाल में होगी। पर्स में, पर्स में मंगलसूत्र रखा था, पता नहीं मिल नहीं रहा। ठीक से देखिए, यही रखा था, लेकिन लेकिन मंगलसूत्र क्यों नहीं मिल रहा? नहीं, ये राखी आंटी का वो पर्स नहीं है जिसमें बॉम्ब रखा था। इसका मतलब कोई राखी आंटी का बॉम्ब वाला पर्स यहाँ से लेकर निकल गया है, और वो सिर्फ प्रीता ही हो सकती है, क्योंकि सिर्फ उसे ही पता था। पर उसे तो मैंने मॉम के कमरे में लॉक करवा दिया था, तो वो यहाँ कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डैम यू प्रीता, तुमने मेरी पूरी की पूरी शादी बर्बाद कर दी है। मंगलसूत्र तो नहीं मिल रहा पंडित जी, रखा तो इसी पर्स में था लेकिन मिल नहीं रहा है। ऐसे तो नहीं मैंने गलती से किसी दूसरे पर्स में रख दिया है? मैं अभी चेक करके आती हूँ। शर्लिन, क्या हुआ? कहाँ जा रही है तू? मॉम वॉशरूम जा रही हूँ। अब शर्लिन, एक मिनट। हाँ, गठबंधन को लेके थोड़ी वॉशरूम जाओगी तुम, गंदा हो जाएगा ना। मैं खोल देती हूँ। लड़की कोई और नहीं, प्रीता ही थी जो राखी आंटी का पर्स ले गई। एक बैड न्यूज है। क्या? प्रीता जी भाग गई। और मेरे फोन से किसे कॉल कर रही हो तुम? मैं कहता हूं मेरा फोन वापस दो। मेरा फोन क्यों उठा रहा है? कौन फोन? अरे मेरा फोन वापस। फोन उठाने में इतनी देरी क्यों लगाई? सॉरी मैडम। अपना सॉरी अपने पास रखो, और वो सरला है ना, उसे अभी के अभी मार दो। किल हर राइट नाउ। मंगलसूत्र कहाँ है? कौन सा मंगलसूत्र? मुझे कैसे मालूम होगा कि मंगलसूत्र कहाँ है? तो तुम्हें पता नहीं मंगलसूत्र कहाँ है? चल मेरे साथ। मंगलसूत्र? मुझे क्या पता? पता है ये काम तुमने किया है। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। मुझे ठीक से याद है, मैंने वो मंगलसूत्र अपने पर्स में रखा था, और अब ढूंढने के बाद भी मुझे वो मंगलसूत्र नहीं मिल रहा। इसका मतलब यही हुआ कि मेरे पर्स से वो मंगलसूत्र तुमने लिया है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? अगर मुझे मंगलसूत्र चाहिए होता तो मैं आपसे पूछ के इस पर्स से लेता ना, राइट? हो सकता है तेरे दिमाग में कोई नया आइडिया आ गया। करण ठीक से बता मुझे। भाभी क्या हो गया? नहीं करीना दी,
कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज होगा, आज ये शादी होके रहेगी। चाहे ये दोनों कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन आज ये शादी होगी। और करण, तूने ये जो हरकत की है ना, बहुत ही घटिया काम किया है तूने। अब नया क्या हो रहा है? Is there any problem? क्या बात है राखी जी? संजना जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दरअसल मैंने जो मंगलसूत्र शलिन के लिए मंगवाया था, उसमें से कुछ डायमंड्स गिर गए। अब वो शुभ तो नहीं होता ना, इसलिए मैंने ज्वेलर को फोन करके एक नया मंगलसूत्र मंगवाया है। वो रास्ते पे ही है, बस आता ही होगा। नो वरीज। ओके। पंडित जी, आप शादी की विधि विधान शुरू कीजिए। तो फिर शुरू से शुरू करूं? नहीं पंडित जी, आपने जहां छोड़ा था वहीं से शुरू कीजिए। ये शादी जिंदगी भर नहीं चलेगी, आज ही करनी है शादी। शादी आज ही होगी, हर हाल में, हर कीमत में। शलिन, शलिन कहाँ है? संजना जी, शलिन कहाँ है? वो एक्चुअली हम दिन भर बच्चों को यहाँ मंडप में लाने के लिए घूमते तो नहीं रहेंगे ना, वो खुद भी तो आ सकते हैं। करीना दी, आप शलिन को ले आइए, मैं ऋषभ को मंडप में ले जाती हूँ। जी भाभी। किसे कॉल कर रही हो तुम? तुम्हारे भाड़े की गुंडे राज को, उसे कह रही हूँ सरला के बाद उस प्रीता को भी मार दे, so that एक साथ हमारे रास्ते के दोनों कांटे हट जाएं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उस प्रीता के लिए मुझ पे हाथ उठाया? How dare you? तुम्हें पता है कि मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है, और जब मेरा दिमाग खराब होता है तब मैं कुछ भी कर बैठती हूँ। उस प्रीता की वजह से तुमने मुझे मारा, आज तो मैंने से प्रीता को मारने का ऑर्डर दिया। जिस दिन मैं उसे जान से मार डालूंगी, तुम तो मुझे उठा ही लोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा बेबी, ऐसा कभी नहीं होगा। बेबी, बेबी मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जानती हो ना, मेरा भी जब दिमाग सटक जाता तो मेरा हाथ। I'm really sorry बेबी, गलती हो गई मुझसे, आगे से ऐसा कभी नहीं। आगे से ऐसा कभी होगा भी नहीं, अगर हुआ ना तो मैं तुम्हारी चमड़ी उड़े दूंगी, तुम्हारी जान ले लूंगी। So you better be careful. Relax. नहीं होगा। और एक और बात, ये मत सोचना कि मुझे तुम्हें लेके कोई भी गलत फहमी है। मेरी नजर बॉस की नजर है, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। मैं जानती हूं कि तुम क्या हो, बताऊं? कुत्ते की पूंछ, जो जिंदगी में कभी सीधी नहीं हो सकती। ये सब जानने के बावजूद भी मैं तुम जैसे घटिया आदमी से प्यार करती हूँ। और एक और बात, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो प्यार में कुर्बानी देती हैं, अपनी जान देती हैं। मैं अपनी जान नहीं देती, जान लेती हूँ। और अगर मेरा प्यार मुझसे धोखा करे ना, तो मुझे बदला लेना आता है। सो यू मिस्टर पृथ्वी मल्होत्रा, ये जो तुम्हारा दिल है ना, जो प्रीता और उसकी फैमिली के लिए धड़कता है, इस दिल की धड़कन को उन लोगों के लिए बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारे दिल की धड़कन बंद कर दूंगी। और वो सरला, उसे तो मरना ही होगा, और तुम्हारी प्रीता जी,
वो मेरे बारे में हद से ज्यादा जानती है, उसे भी मरना होगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो भाग गई है। कहां गई है तुम्हें या मुझे या किसी को कुछ नहीं पता, बट आई एम श्योर वो घूम फिरकर यहां पर ही आएगी। मेरी शादी और तुम्हारा सबसे बड़ा बदला रोकने के लिए।